लॉकडाउन के बाद ITOT कॉलेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो हमारे यहाँ नोटिस आई थी कि सभी लोगों को 21 तारीख से यहाँ पर स्कूल जाना था। तो चलिए हम लोग आप चलते हैं, यहाँ पर हैं ITOT लखनऊ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको हम पूरी अपडेट इस वीडियो में देते हैं कैसे आपको वहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पर एडमिशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो सब लोग के अंदर मन बना रहता है कैसा वहाँ पर कॉलेज है, क्या पढ़ाई होती है, तो आपको हम पूरा अपडेट देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए निकल चुके हैं अपने गाड़ी से और यहाँ पर हम जाएंगे स्टेशन पर। स्टेशन जाने के बाद हम यहाँ से यात्रा करने वाले हैं वाराणसी टू लखनऊ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बस हम कुछ देर में ही स्टेशन पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से अपनी ट्रेन को पकड़ने वाले हैं, उसमें बैठ कर हम यहाँ पर लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो यात्रा करते समय आप सभी लोग अपने मोबाइल में RSVP ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर पूरे यहाँ पर सेफ्टी का पालन करिएगा। तो थोड़ा हम आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं ITOT लखनऊ। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ कैसा आपको दिखता है, क्योंकि बहुत से लड़के कमेंट करते हैं कि यहाँ पर कॉलेज कैसा देखने मिलता है, और अंदर की भी आपको ले चलेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉलेज स्टार्ट हो चुका है लॉकडाउन के बाद। तो यहाँ पर इसलिए कुछ इस तरह नज़ारा दिख रहा है। इसके बगल में कौशल विकास योजना के जो मेन ऑफिस है वो भी है, उसको भी हम दिखाएंगे, तो देख लीजिए। और यहाँ पर बगल में हॉस्टल की भी सुविधा यहाँ पर है और कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और बगल साइड में यहाँ देख लीजिए पार्किंग की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर गाड़ियों को पार्क करने के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए हॉस्टल वो रहा, और यहाँ पर सामने से देखिए यहाँ पर ITOT लखनऊ जिसमें CTI कराई जाती है मेनली। यहाँ पर जो CTI की जो ट्रेड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपका फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, और यहाँ पर RAC और सीलिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पर ट्रेड चलता है CTIS में। और यहाँ पर देख लीजिए हॉस्टल, देखिए हॉस्टल कुछ तरह से नज़ारा दिखता है। यहाँ पर देख लीजिए जितने भी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं उन सबको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है छात्रावास। और यहाँ पर अंदर की तरफ हम एंट्री करते हैं, आपके कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कैसे कैसे आपको यहाँ पर एंट्री करना है कोरोना वायरस में। आपको सभी लोगों को यहाँ पर पूरे गाइडलाइंस का फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर हैंड सैनिटाइज होगा, उसके बाद आपकी जो टेम्परेचर है उसको मेजर की जाएगी। तो कॉलेज में हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर आपका जो देखिए यहाँ पर सारे यहाँ पर किसी को भी टच नहीं करना है, यहाँ पर बस ऑटोमेटिक हर जगह मशीन लगी हुई हैं, यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी ऑटोमेटिक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम यहाँ पर जो कोविड बेंच बना हुआ है वहाँ पर आपको एंटर करा लेनी है, और यहाँ पर हो गया है। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ, और यहाँ देख लीजिए लड़का सैनिटाइज भी कर रहा है ऑटोमेटिक, यहाँ पर है बस अपना हाथ लगाएंगे आप सैनिटाइज हो जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने आएंगे तो आपको भी सब इसी तरह फॉलो करना पड़ेगा गाइडलाइंस को, और यहाँ पर देख लीजिए अपना नाम यहाँ पर लिखवा लेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दो छात्र ऊपर जा रहे हैं, और देख लीजिए कुछ इस तरह से अंदर का नज़ारा दिखता है यहाँ पर ITOT लखनऊ का। और आपको हम बताई दिए यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, RAC और सीलिंग टेक्नोलॉजी के यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, 1 साल का कोर्स होता है। और देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन लैब कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी रखी गई हैं और प्रैक्टिकल वगैरह यहाँ पर अच्छे से कराए जाते हैं। तो बहुत से लोग कमेंट करते थे कि अंदर का थोड़ा लखनऊ का दिखा दीजिए, तो आप सभी लोग देख लीजिए। और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज है, CRTS के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज भी है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। तो आराम से जितने भी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं ITI किए हुए, BTEC किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, तो सभी लोग यहाँ से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, फिटर ट्रेड से या फिर RAC से यहाँ से कर सकते हैं। सीविंग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर है। और सीटों की संख्या की बात करें तो आपको हम जल्दी बता देंगे अगले वीडियो में। तो कुछ अंदर में इस तरह से रहा, ये रहा आपका इलेक्ट्रीशियन लैब। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं AV लैब भी आपको दिखा दे रहे हैं, और जल्दी एक नई वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको हॉस्टल के बारे में भी दिखाएंगे कैसे कैसे लड़के वहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि CRTS में कैसे हॉस्टल होते हैं, कैसे क्या होता है, कुछ पता ही नहीं होता बच्चों को। तो इससे उनको बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आगे आपको AV लैब की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ अच्छा ही रहा है, और ये रहा AV लैब। यहाँ पर देख लीजिए लड़के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर शांत हैं, यहाँ पर किसी भी किसी बात नहीं करना है, और यहाँ पर कम से कम एक कंप्यूटर छोड़कर दूसरे कंप्यूटर बैठना है, 6 फीट की दूरी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कोरोना वायरस भी चल रहा है। तो आशा करता हूँ अपडेट आपको बहुत ही अच्छे से लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कैसे कैसे कॉलेज में यहाँ पर आपको पढ़ना है और कौन कौन सी ट्रेड है यहाँ पर, कितनी सीटें हैं, और यहाँ पर हॉस्टल में कैसे रहा जाता है, और कैंटीन में क्या सुविधा है, आपको सब भी बताएंगे। और फीस भी आपको जल्द अपडेट कर देंगे कितनी फीस लगती है यहाँ पर है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।